आप समझिए कि दरभंगा में भी मुस्लिम की आबादी है, यहाँ पे निर्णायक वोट है मुस्लिमों का, जहाँ ये लोग वोट करेंगे वही सांसद बन सकते हैं। अच्छा। ऐसा है जैसे यहाँ पे अगर मुस्लिम को टिकट नहीं मिला शिवहर और वहां पे अगर रितु जायसवाल को टिकट मिल गया तो वहां के मुसलमान तो ऐसे भी गुस्सा है, ऑप्शन खोजेंगे भाई। ऑप्शन में असदुद्दीन अवैसी स्टार प्रचारक में होंगे उम्मीदवार, अगर शिवहर से सीताराम सिंह के पुत्र यानी कि राणा रंजीत अगर आ गए तो जिस तरीके से राणा रंजीत जाति पॉलिसी के वहां पे नहीं काम कर रहे हैं, जाति पॉलिसी पे हर एक टोपी वाला दाढ़ी वाला चाहे जो भी लोग हो सब लोगों को साथ लेके चल रहा है, तो बहुत बड़ा असर वहां पे भी देखने को मिलेगा, वो शिवहर होगा। तो लोकसभा गोपालगंज में मुस्लिमों की आबादी है, ये बात को आपको मानना होगा। वहां से भी अगर किसी भी प्रत्याशी को उतार देती है, नाम चाहे जो भी हो जाति के आगे, मुसलमान हो हिंदू हो जो भी हो, लेकिन प्रत्याशी लेकिन अगर AIMIM के आया तो वहां पे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन को, यानी वहां पे भी खेला होगा एकदम तय है। एक चीज और है कि अभी AIMIM ने 11 प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात चल रहा था RGT को और AIMIM को दोनों को, लालू यादव और सुदीन साहब को लेकर के, कि जहाँ पे वो मजबूत है वहां पे हम नहीं लड़ेंगे, जहाँ पे हम मजबूत है वहां पे, फिर क्या ऐसी बात रही जिसको लेकर फिर इन्होंने प्रत्याशी बढ़ा दिया। नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी और आप सब 24 TV जैसा देख रहे हैं। दरअसल बिहार में लोकसभा सीट को लेकर के अब इंडिया गठबंधन यू कहले की लालू यादव का अब नींद उड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे AIMIM ने बड़ा खेला कर दिया है। उन्होंने 11 प्रत्याशी के जगह पे 5 प्लस करके 16 प्रत्याशी उतारने की बात कर दी है। इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे कैफी जी से। कैफी जी, क्या लगता है कि अब बिहार में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है, AIMIM ने अपना 5 प्रत्याशी और बढ़ा दिया और इस बार लालू यादव की नींद उड़ी हुई, इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल एकदम, हम जो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो संभावना आपको बताने वाले हैं, उस संभावना से साफ तौर पर लग रहा है कि जो RJD की जो नींद है, यू कहे तो महागठबंधन की जो नींद है वो उड़ जाएगी। और ये नींद उड़ाने वाला जो है AIMIM यानी कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है। पहले 11 सीट, अब 5 सीट बढ़ा दी। अच्छा, ये 5 सीट जो बढ़ी है इसको लेकर के क्या असर होने वाला है लालू भाई मेरे? जो सीट पे मुस्लिम की बात की जा रही थी, वह मुस्लिम सीट में 3 तो ऐसा ही है जहां पे मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। अच्छा, उस सीट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, इसके अलावा भी 2 सीट और है। कुल 5 सीटों पे AIMIM और भी अब आगे चुनाव लड़ेगी, यानी कि 11, 5, 16 सीट बिहार में, कुल 40 सीटें हैं, उसमें से 16 सीट पे अब तक के अनाउंसमेंट है। एक आपको मधुबनी की भी बात चल रही है, जहां से RJD ने, महागठबंधन ने फातिमी साहब को वहां पे कैंडिडेट घोषित किया है, वो अपने चुनावी दौर में अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार कर रहा है। वहां पे भी मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, वहां पे भी AIMIM जो है खेला करने के लिए तैयार है। अच्छा। ये कहानी जो है बरकरार रहेगा, हो सकता है कि वैशाली सीट से भी AIMIM लड़े, लगातार यहाँ के प्रत्याशी जो है वो संपर्क बना रहे हैं, तो आगे क्या होगा ये तो हम बताएंगे। लेकिन अब तक जो कहानी लग रहा है, जहां से RJD की उम्मीदें थी कि यहां से कुछ सीट हम निकाल पाएंगे, वहां पे AIMIM आ गई। अब सोचिए कि यहाँ पे ये अपनी जात की बात कर रहा है, ये अपनी बढ़ोतरी की बात कर रहा है, ये अपने विकास की बात कर रहा है, ये अपने दलित भाइयों SST भाइयों की बातचीत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो खेला होना एकदम तय है भाई। बिल्कुल। और कौन कौन सी सीट होगी जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य आबादी है, जहाँ पे AIMIM टक्कर दे सकती है RJD को? अभी जो 5 सीट जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर उल ईमान ने क्लियर किया है, उसमें से पाटलिपुत्रा है, काराकट है, दरभंगा है, शिवहर है, गोपालगंज है, आप ये 3 सीट ले लीजिए ना। आप समझिए कि दरभंगा में भी मुस्लिम की आबादी है, यहाँ पे निर्णायक वोट है मुस्लिमों का, जहां ये लोग वोट करेंगे वही सांसद बन सकते हैं। अच्छा। ऐसा है। और यहां से RJD किसी ना किसी यादव को टिकट देगी। अच्छा। ये भी समझ लीजिए। अच्छा। और यहाँ पे दरभंगा में मुस्लिम खड़ा कर देगी AIMIM। अब सोचिए कि अभी जिस प्रकार से मुसलमान RJD से खफा है शहाबुद्दीन साहब को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं सच यह है, फैक्टर यह है कि टूटेगा मुस्लिम, वो सीधे कहां जाएगा? AIMIM की तरफ। फिर यहां से संभावना यह है कि यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा। एकदम आपको तय है। उसी तरीके से ठीक अगर हम बात करें शिवहर पे आ जाइए, शिवहर पे भी JDU के खाते में ये सीट गया, और यहाँ पे RJD जो है यहाँ पे दाव खेल रही है, मुस्लिम को उतारेगी M और नहीं तो साव जी। अच्छा। मतलब वहां से भी आपको बताया कि बनिया को टिकट मिलेगा, जो कि रितु जायसवाल है। ये दो लोगों के बीच में अभी घमासान चल रहा है कि भाई किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, दोनों का नाम जो है RJD में है। यहां से भी संभावना यह लग रहा है कि मुस्लिम जाति से तो नहीं, लेकिन हिंदू ब्यादरी से AIMIM टिकट देगी, ये कंफर्म है शिवहर कि वहां से कोई ना कोई लड़ेंगे, जो कि साफ तौर पर कह दिया अख्तर उल ईमान की 50% हम हिंदू को
जो है टिकट देने वाले। ये भले लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ये सब बराबरी बात करते हैं। अख्तर उलीमान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यहाँ पे राणा रंजीत जो कि आप देख रहे होंगे कि लगातार तैयारी कर रहे हैं सीहोर लोकसभा से, तो यहाँ राणा रंजीत जो है कहीं ना कहीं सीताराम सिंह के पुत्र कहे जाते हैं, जो अभी वर्तमान वहां के विधायक है, उनके भाई है, वो हो सकते हैं AIMIM के प्रत्याशी। तो वहां भी जो उनकी जो पिछले कई महीनों से जो तैयारियां हैं, उस तैयारियों में ये पता चला है कि मुसलमान भी उनके साथ है। अच्छा। जैसे यहाँ पे अगर मुस्लिम को टिकट नहीं मिला सीहोर, और वहां पे अगर रितु जायसवाल को टिकट मिल गया, तो वहां के मुसलमान तो ऐसे भी गुस्सा है, ऑप्शन खोजेंगे भाई। ऑप्शन में असदुद्दीन अवैसी स्टार प्रचारक में होंगे उम्मीदवार, अगर सीहोर से सीताराम सिंह के पुत्र यानी कि राणा रंजीत अगर आ गए, तो जिस तरीके से राणा रंजीत जाति पॉलिसी के वहां पे नहीं काम कर रहा है, जाति पॉलिसी पे हर एक टोपी वाला दाढ़ी वाला चाहे जो भी लोग हो सब लोगों को साथ लेके चल रहा है, तो बहुत बड़ा असर वहां पे भी देखने को मिलेगा, वो सीहोर होगा। अब आ जाइए गोपालगंज, बहुत बड़ा, गोपालगंज में भी मुस्लिमों की खूब आबादी है, लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। गोपालगंज में होगा क्या, सबसे पहले हम पूर्व में ले चलते हैं जहाँ पे उपचुनाव यहाँ पे हुआ था, और उपचुनाव में यहाँ पे AIMIM के प्रत्याशी जो है असलम मुखिया, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, गोली मार कर हत्या कर दिया गया, वो जो है AIMIM के प्रत्याशी थे, और वहीं से मोहन गुप्ता जो है उनको मिला था RJD के तरफ से, और जो RJD मोहन गुप्ता को उतारे थे वो कुछ वोटों से हारे, यानी कि पूरे दारोमदार जो था वो असलम मुखिया के ऊपर था। लोग कहते हैं कि ये अगर वोट मुसलमानों का अगर मोहन गुप्ता को मिलता तो वहां से RJD जीत जाती उपचुनाव, लेकिन वहां पे भी AIMIM खेला किया सिर्फ अपने कहीं ना कहीं नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कि भाई हमारे भी वो अच्छे खासा वोट है, उन लोग हम लोग को देंगे, तो वहां पे भी इस प्रकार से घटना देखी गई। अब ठीक, अब लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा गोपालगंज में मुस्लिमों की आबादी है, ये बात को आपको मानना होगा, वहां से भी अगर किसी भी प्रत्याशी को उतार देती है, नाम चाहे जो भी हो, जाति के आगे मुसलमान हो हिंदू हो जो भी हो, लेकिन अगर AIMIM के आया तो वहां पे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन को, यानी वहां पे भी खेला होगा एकदम तय है, क्योंकि ये वही गोपालगंज है जहां से मात्र कुछ किलोमीटर के बाद शहाबुद्दीन साहब का एरिया शुरू हो जाता है, वो लोकसभा सीट शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब का जो गुस्सा है, उन लोगों का आक्रोश है, जो RJD पर उन लोगों के लोगों का वो गुस्सा कहीं ना कहीं सीधे टूटकर आ जाएगा AIMIM में, और वहां पे जो है RJD या फिर महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी गोपालगंज सीट से उतरेंगे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समीकरण एकदम 110% देखने को मिलेगा, जो उपचुनाव में आप लोगों ने देखा वो मिल जाएगा। बाकी पाटलिपुत्रा सीट की बात करें, यहाँ भी अगर हम बात करें तो फुलवारी शरीफ एक ऐसा एरिया जहाँ मुस्लिमों को खूब आबादी है, खूब मुसलमान वहां पे भर भर के है। काराकट की बात करें तो यहाँ भी कुछ आप लोगों को असर देखने को मिलेगा, जहां से संभावना बन रही है AIMIM को, वहां से जो है अपने शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं हैदराबाद में बैठ के, वहां पे अपनी सारी लिस्ट को भेज रहा है, वहां से जो उनका ऑब्जर्वर है वो सारे चीजों को देख रहा है, उसके बाद क्लियर कर रहा है कि कौन कौन सीटों को जो है अप्रूवल दे दिया जाए। ऐसे बिहार में कई ऐसे सीट हैदराबाद पहुंचा है, लेकिन उसपे जो है असदुद्दीन अवैसी मंथन कर रहे हैं क्या वहां पे ग्राफ होगा, उसके बाद वो भी सीट कुछ दिनों में अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मधुबनी का जिक्र हो रहा था। तो कुछ इस प्रकार से कहानी है, जो कहानी शायद महागठबंधन को बहुत महंगा पड़ेगा। आपने ये पूरा समीकरण समझाया, लेकिन एक चीज और है कि अभी AIMIM ने 11 प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात चल रहा था RJD को और AIMIM को दोनों का, लालू यादव और सुदीन साहब को लेकर के, कि जहाँ पे वो मजबूत है वहां पे हम नहीं लड़ेंगे, जहाँ पे हम मजबूत है वहां पे लड़ते, फिर क्या ऐसी बात रही जिसको लेकर के फिर इन्होंने प्रत्याशी बढ़ा दिया? ये किसी ने नहीं कहा, वो संभावना बनाए कि अगर लालू जी हमारे करीब आते हैं, अगर इस प्रकार की कुछ बातें होती हम लोगों में कि चलो भाई नरेंद्र मोदी को हराना है, BJP को हराना है, तब जाकर हम इस प्रकार की कर सकते हैं, लेकिन पहले वार्तालाप तो हो, आमने सामने तो हो, जो खबरें चलाई जाती है कि लालू यादव कॉल किया असदुद्दीन अवैसी को, ये सब खबर हमको तो नहीं लगता है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो गया था, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक बात था, एक अफवाह था, जो रीमर है उठता चला गया, सोशल मीडिया पे चीजें चली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये 5 सीट और जो है अप्रूवल होकर हैदराबाद से नहीं आता, और 5 सीटों पर और उम्मीदवार AIMIM बिहार में नहीं उतारती, ये सच्चाई। मतलब लालू और अवैसी का जो होता है समीकरण नहीं जम पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं जमा, यहाँ कहीं दूर दूर से कोई गठबंधन के साथ असदुद्दीन अवैसी नहीं है, या असदुद्दीन अवैसी गठबंधन के साथ नहीं है, यानी लालू यादव किसी भी हाल में उनको कॉल नहीं किए। अच्छा, इसलिए ये सब अफवाह है, और ये चीजों आप लोग को देखने को मिलेगा कि आने वाला समय में जो मुसलमान खफा है शहाबुद्दीन साहब को लेकर, जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, वो लोग जरूर जिस सीट पे AIMIM खड़ा होगी वहां पे वो अपने AIMIM को वोट देगा, उन जो टिकट लेकर आएगा। तो इसे क्लियर हो गया कि डैमेज किसका होगा,
वो होगा महागठबंधन को। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि सवाल बनकर है जो आने वाला चुनाव में आप लोगों को निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा समीकरण को समझा, बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम राजा बिहारी, आप देख रहे 24 टीवी जंक्शन।